हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के एरे से रिलेटेड है। और मतलब उनकी प्रैक्टिस कर लेना, उनका के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और अगर उनकी आप प्रैक्टिस कर भी लोगे ना, तो अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो उसको आराम से आप उसका लॉजिक बना लोगे सॉल्व करने के लिए, उसका लॉजिक बनाने के लिए आराम से। तो जो क्वेश्चन हमें स्ट्रिंग में करना चाहिए वो तो है, पहला अगर मैं बोलूँ यूनिक स्ट्रिंग का, यूनिक स्ट्रिंग पता करने की भी कोई स्ट्रिंग हमें दे दी कि क्या वो यूनिक है या नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। अगला है मैजिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चेक करेंगे कि क्या वो मैजिक है या नहीं है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है स्पेशल वर्ड का, चेक करना है कोई वर्ड हमें, कोई स्ट्रिंग इनपुट में ली, कोई वर्ड इनपुट में ली और बताओ कि क्या वो स्पेशल वर्ड है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। देखो सुनो, मैं जो सारी वीडियो है ना इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिन कमेंट कर दूंगा, वहाँ पर दे दूंगा। तो देख लेना पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, मैं वहाँ पर इनकी प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा। ऐसी एक है कैपिटलाइज करना, स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना। इन सबके प्रोग्राम आप देख लेना भाई, ये सब आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ऐसे रिप्लेस करना है फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, रिप्लेस करना है फर्स्ट और लास्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। मान लो जैसे मेरे पे कोई नाम है, संजय नाम है, संजय है, तो रिप्लेस करना है तो वाई पहले आ जाएगा और एस आखिरी में आ जाएगा, इस तरीके से रिप्लेस करना है पहला और आखिरी करेक्टर स्ट्रिंग का। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो जैसा है रिवर्स करना है वर्ड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, रिवर्स करना स्ट्रिंग के वर्ड्स को। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो स्ट्रिंग के वर्ड को रिवर्स करना और स्ट्रिंग को रिवर्स करना, दोनों में अंतर है। जैसे कंप्यूटर इज फन दिया है किसी ने, तो बोला अगर इसके वर्ड को रिवर्स करो, तो वर्ड को रिवर्स करने का मतलब होता है पहले फन आ जाएगा, फिर इस आ जाएगा, फिर आएगा कंप्यूटर। इसका ये मतलब, इसका मतलब है कि मैंने वर्ड को रिवर्स कर दिया, फन पहले आ गया, फिर इज आया, फिर क्या आया, कंप्यूटर आया। लेकिन बोला अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करो, तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का मतलब ये होता है कि इस पूरे को पलट दो, पलट दो मतलब अगर कंप्यूटर इस फन था तो इसको अगर मैं रिवर्स करूँगा पूरी स्ट्रिंग को, तो लिखूँगा एन यू एफ पूरा उल्टा, फिर स्पेस, फिर एस आई, फिर स्पेस, फिर आर ई टी यू पी एम ओ सी, ये हो गया स्ट्रिंग को रिवर्स करना और ये हो गया स्ट्रिंग के वर्ड को रिवर्स करना। अंतर समझ में आ रहा ना। जैसे मैंने वो क्वेश्चन बताया था तुम्हें कि रिपीटेड कंसेक्यूटिव लेटर को हटाना और रिपीटेड लेटर को हटाना, दोनों में अंतर होता है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो आ रहे थे, मैंने अभी पिछले एक दो वीडियो पीछे बनाया है, आप देख लेना। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्ड को रिवर्स करना अलग होता है और स्ट्रिंग को रिवर्स करने का मतलब अलग होता है, ठीक है। अरे बात समझ में। और जैसे तुम्हें वैसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा सिर्फ स्ट्रिंग को रिवर्स करने में ऐसा आएगा कि कोई ज़्यादातर ऐसा आता है कि एक इनपुट दी, एक स्ट्रिंग इनपुट में दी, उसको रिवर्स करो, जैसे कंप्यूटर दी, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं होता। लेकिन जब वर्ड को रिवर्स करने को बोला जाएगा तो तब पूरा सेंटेंस इनपुट में होगा, ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। उसके बाद रिवर्स वाला क्वेश्चन कर लेना भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पहले भी आ रखा है बोर्ड में, आपको पता ही होगा ईच लेटर की, मतलब कोई स्ट्रिंग सेंटेंस इनपुट में लिया, उसमें हर एक करेक्टर की तुम्हें फ्रीक्वेंसी बतानी कि वो कितनी बार आ रहा है। ऐसी जो नाम है किसी का, नाम इनपुट में लेना, उसके बाद प्रिंट करने इनिशियल्स, शुरुआत का मतलब इनिशियल्स प्रिंट करने विद फुल सरनेम, मतलब जैसे भी नाम है किसी का स्टार्टिंग में, तो उसके जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कोई नाम है तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ पहला लेटर प्रिंट करो उसका पहले नाम का, लेकिन सरनेम पूरा प्रिंट करो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा आता है कि दोनों का मतलब सरनेम भी पूरा मत प्रिंट करो, उसको में भी क्या करो जैसे पहला लेटर ही प्रिंट करो, इस तरीके का भी आता है। मैंने बहुत सारी वैरायटी है इसमें, मैंने सारी बता रखी है, सब प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, भी देख लेना उनको, ठीक है ना, वो सब इंपॉर्टेंट है। ऐसी डिस्प्ले ऑल नेम विच स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे नेम को डिस्प्ले करो, ऑल नेम्स जो स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं सेम लेटर से। देखो ये क्वेश्चन एरे का था, ठीक है ना, एरे का क्वेश्चन आया था। एक एरे है जैसे, इसमें मैंने बहुत सारे नेम इनपुट में ले रखे हैं, मान लो यहाँ किसी का नाम है नितिन हो गया, नमन हो गया, अजय हो गया, अब बोला है वो नाम प्रिंट कर दो जिनका पहला और आखिरी का लेटर सेम होता है। ये क्वेश्चन है स्ट्रिंग एरे से रिलेटेड, मैं डाल दूंगा इसको भी प्ले लिस्ट में, देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें स्ट्रिंग और एरे दोनों का मिक्सचर है, स्ट्रिंग एरे के अंदर हम ले रहे हैं इनपुट में स्ट्रिंग एरे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि तुमको जितने भी करेक्टर हैं उनको नेक्स्ट करेक्टर से रिप्लेस करना है। ये मैंने करा रखा है क्वेश्चन, रिप्लेस करना है ऑल करेक्टर विद नेक्स्ट करेक्टर। जैसे ए को बी से रिप्लेस कर दो, बी को सी से, मतलब जहाँ भी जैसे किसी का नाम है, मैंने करा रखा था जैसे अंश है नाम, तो ये क्या बन जाएगा बी ओ टी आई, एन के बाद क्या आता है ओ आता है, ए के बाद क्या आता है बी आता है, एस के बाद क्या आता है टी आता है, ठीक है, और एच के बाद क्या आता है आई, तो सारे करेक्टर को नेक्स्ट करेक्टर से रिप्लेस कर दिया, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, देख लेना। एक और क्वेश्चन कर लेना, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वर्ड
ठीक है, इससे रिलेटेड में एक और काम की बात है, वो अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। इस पर पूरी थोड़ी सी अलग ही टॉपिक सा बताना है मेरे को, तो मतलब पर ये क्वेश्चन कर लेना, फिर मैं इसमें अलग सी बात है वो तो मैं बता दूंगा, अगली वीडियो लेकर आऊंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वर्ड को कर लेना, पिगलेटिन वाला है, पिगलेटिन वाला इसका क्वेश्चन मैंने करा रखा है भाई, कई बच्चे पूछ भी रहे थे, मैंने करा रखा पिगलेटिन वर्ड का, ठीक है, इसको कर लेना। एक और क्वेश्चन कर लेना डबल लेटर सीक्वेंस वाला, हाँ ठीक है, डबल लेटर सीक्वेंस का था, डबल लेटर सीक्वेंस जितने भी हैं वो बताने थे, ऐसा कुछ था हमारा क्वेश्चन, ऐसी वोवल का भी था शायद कोई, कि वोवल का पेयर आ रहा है तो उनको प्रिंट करो, जो भी है मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, मतलब इतने क्वेश्चन नहीं है और भी इससे मिलते जुलते इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके थे। एक प्रीवियस ईयर में रिप्लेस मेथड का क्वेश्चन भी आ रखा था, ठीक है, रिप्लेस मेथड का एक क्वेश्चन, एक या दो आ रखे थे रिप्लेस मेथड के क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन तो आपका था कि जैसे मैं कोई फाइल का फोल्डर दे रखा है, मतलब सी ड्राइव है जैसे इस तरीके का, तो हमें सिर्फ उसमें से जो हमारा मेरे ख्याल से फाइल का नाम है वो प्रिंट करना था, ऐसा कुछ था। हाँ, सब स्ट्रिंग का था वो, और एक रिप्लेस का भी आ रखा था, मैंने दोनों करा रखे हैं, सब स्ट्रिंग मेथड का और रिप्लेस का, क्योंकि ये इनके क्वेश्चन बहुत कम ही होते हैं, सब स्ट्रिंग वाले का और रिप्लेस वाले का, तो इसलिए उनकी प्रैक्टिस कर लेना, आने के चांस ज़्यादा रहते हैं उनके, या उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो मिलता जुलता भी आ गया तो आप खुद लॉजिक बना लोगे, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, ये है, फंसोगे नहीं, लॉजिक खुद बना लोगे, और थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो भी गया तो फर्क नहीं पड़ता लॉजिक, मतलब कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, लॉजिक भले ही थोड़ा बहुत चेंज आ भी गया तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो मतलब बना लोगे आराम से। तो ये कुछ क्वेश्चन है भाई जिनकी प्रैक्टिस कर लेना, और भी है मैं सारे प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही था, और कुछ बात होगी तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा।